गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सन7 एच। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण अपडेट हैं बीपीएससी तैयारी को लेकर के। दोस्तों, तैयारी 1 को लेकर के, तैयारी 2 को लेकर के महत्वपूर्ण खबरें निकल करके सामने आ रही है। दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीपीएससी तैयारी में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं स्टूडेंट्स के, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही साथ बीपीएससी तैयारी 2 के लिए भी हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, बीपीएससी तैयारी 2 में आपका एसटीईटी होने वाला था 2023, एग्जाम भी हो गया, आपका रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया गया है। दोस्तों, तो अब बीपीएससी तैयारी 2 की भी चर्चा जोर शोर से हो रही है। दोस्तों, तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बीपीएससी तैयारी का जो रिजल्ट है उससे संबंधित। दोस्तों, इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों, सबसे पहले बीपीएससी तैयारी 1 का जो रिजल्ट है इसको लेकर के जो अपडेट है दोस्तों, वो अपडेट है कि 10 अक्टूबर के बाद रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। बीपीएससी तैयारी 1 का रिजल्ट दोस्तों 10 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच में आने की पूरी संभावना है। दोस्तों, आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा 10 अक्टूबर तक। आपको मालूम है कि ओएमआर जो है वो आप देख सकते हैं डाउनलोड करके। दोस्तों, बीपीएससी तैयारी में जो खबरें निकल करके आ रही है दोस्तों, उसके आधार पे ये आ रही है, स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा, कुछ बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। दोस्तों, स्कोर कार्ड जारी करने की बात चल रही है कि बीपीएससी तैयारी में स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। वहीं ये जो होगा दोस्तों, ये जो रिजल्ट आपको दिया जाएगा 10 से लेकर के 15 के बीच में दोस्तों, ये आपके 9 से लेकर के 12 तक का रिजल्ट दिया जाएगा। पहले परिणाम जो आएगा वो 11 12 का परिणाम आएगा और उसके बाद 9 10 का परिणाम आएगा। दोस्तों, और उसके बाद में आपका जो बीएड करके 1-5 में शामिल है या डीएलएड वाले 1-5 में है, तो जो पीआरटी जो दिए हुए हैं दोस्तों, तो ये पीआरटी का रिजल्ट उसके बाद जारी किया जाएगा। रिजल्ट के बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों, यहाँ पे मामला बीएड और डीएलएड का मामला जो है वो फंस रहा है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम डिसीजन आया था और उन्होंने बीएड को 1-5 से बाहर कर दिया है। अब बीएड वाले 1-5 में शामिल नहीं हो सकते हैं। और यहीं पे दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन पहले का है इसको लेकर के यहाँ पे पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार की तरफ से एसएलपी दायर किया गया था और वहां पर भी पटना हाईकोर्ट का भी जो डिसीजन था दोस्तों, जो केस हुआ था, वहां पर ये डिसीजन आया कि 1-5 में डीएलएड वाले को ही मौका मिलना चाहिए। इसके बाद बिहार सरकार जो है वो चली गई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी दायर कर दिया गया है इसको लेकर के, ठीक है। और उसकी सुनवाई 9 अक्टूबर को होने वाला है। दोस्तों, 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है बीएड को लेकर के। बीएड का भविष्य बीपीएससी तैयारी में क्या होगा दोस्तों, इसको लेकर के ये तो कॉन्फर्म है कि आगे जो बीपीएससी तैयारी 2 होने जा रहा है दोस्तों, इसमें किसी भी कीमत पे जो बीएड किए हुए हैं उन्हें 1-5 में वो शामिल नहीं हो सकते हैं, डीएलएड वाले ही सिर्फ और सिर्फ इसमें शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, लेकिन बीपीएससी तैयारी 1 में आपका बीएड वाले को मौका मिल सकता है या नहीं मिल सकता है दोस्तों, ये 9 अक्टूबर के दिन फाइनल हो जाएगा। 9 अक्टूबर को हियरिंग होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में और ज्यादा चांसेस हैं कि एक या दो सुनवाई में पूरी मामला क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपका एक ही दिन 9 अक्टूबर को ही क्लियर हो जाएगा। सिर्फ पूछना है कि हम शामिल करें या न करें, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पहले डिसीजन दे चुकी है और अब उसको फिर से बिहार सरकार के तरफ से, बिहार सरकार को क्लियर नहीं हो रहा था कि हम करें या नहीं करें बीपीएससी तैयारी 1 में दोस्तों, और इसी को लेकर के बिहार सरकार गई, अपर मुख्य सचिव के पाठक सर गए थे, ठीक है। और ये मामला 9 अक्टूबर को आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। वहीं दूसरी जो महत्वपूर्ण खबरें आ रही है दोस्तों, एसटीईटी का रिजल्ट कल आ गया है, लगभग 80% लोग क्वालिफाइड कर गए हैं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीपीएससी एसटीईटी आप तुरंत पास की हैं और बीपीएससी तैयारी 2 जस्ट आपके पास आ रहा है दोस्तों, तो बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका होगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। यदि 1-5 से उन्हें बाहर भी किया जाता है तो उनके पास
एक बहुत ही अच्छा मौका है और इस मौका को छोड़ना नहीं है दोस्तों, इस मौके को भुना लेना है। इसी महीने अक्टूबर में, अक्टूबर महीने में ही दोस्तों बीपीएससी TRE2 आने वाली है। बीपीएससी TRE2 की नोटिफिकेशन इसी महीने जारी होने वाला है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी खबर है बीएड वालों के लिए, जो काफी जिनका बहुत तरह की समस्याएं हैं, जो 1 to 5 में शामिल हो गए हैं, 6 फेज में उनकी बहाली हुई है दोस्तों। और ब्रिज कोर्स भी नहीं हो रहा है, ब्रिज कोर्स को लेकर के किसी भी तरह का कोई अपडेट भी अभी तक सरकार के तरफ से, गवर्नमेंट के तरफ से नहीं दिया गया है। हालांकि लगातार हम लोग इसको लेकर के कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ब्रिज कोर्स हो और इसको लेकर के सरकार के तरफ से कोई लेटर वगैरह जारी किया जाए, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी सरकार के तरफ से जो ठोस आश्वासन होता है या क्लियर बातें होती हैं कि इस दिन आपका लेटर जारी हो जाएगा, इस तारीख से आपका ब्रिज कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, यहां से ब्रिज कोर्स होगा, इस तरह का कोई अपडेट नहीं दिया जा रहा है दोस्तों। कोई अपडेट इसको लेकर के नहीं दिया जा रहा है, शिक्षा विभाग खोल के तैयार नहीं है। जो भी लोग जाते हैं वही बोला जाता है कि ठीक है हम स्टार्ट कर देंगे अक्टूबर में, सितंबर में जाइए तो अक्टूबर में स्टार्ट कर देंगे, अगस्त में गए थे तो सितंबर से स्टार्ट हो, यही चीजें बार बार बोला जाता है प्राथमिक शिक्षा निदेशक सर के तरफ से दोस्तों। ठीक है, पहले हम लोग गए थे मार्च अप्रैल में, सर कर दीजिए, ठीक है मई में स्टार्ट हो जाएगा, मई में गए सर जून में स्टार्ट हो जाएगा, जून में गए जुलाई में स्टार्ट होगा, जुलाई में तो अगस्त में, ठीक है अगस्त में गए तो सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा। अभी सितंबर में गए हुए थे तो कहना है कि अक्टूबर में आपको मीडिया के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी दोस्तों। तो मेरा यही सलाह रहेगा, जितने भी बीएड के कैंडिडेट्स हैं आगे जो आने वाली है बीपीएससी TRE2, जो इसी मंथ उसका नोटिफिकेशन आ रहा है दोस्तों, आप लोग जी जान लगा करके उसकी तैयारी कीजिए। 6 to 8 में भी अच्छी खासी वैकेंसी 32,000 आ रही है, वही 9 to 10 में और 12 में वहां पे कुछ सीट कम है, 18,000 आ रही है, 18,000 आपका 9 to 10 में और 11 to 12 में 18,000 दोस्तों। तो लगभग ये जो 70,000 के आसपास ये जो सीटें हैं, और कोशिश की जाएगी कि TRE में जो सीटें बची हुई है वो भी TRE2 में ऐड हो जाए। ठीक है, तो आप लोग सब कुछ छोड़ छाड़ करके और इसकी तैयारी कीजिए तो ज्यादा बेटर होगा दोस्तों। ठीक है, बीपीएससी TRE2 जो है वो आपका अक्टूबर में नोटिफिकेशन आएगा, और रोस्टर क्लियरेंस की जो बातें हैं वो लगभग लगभग सभी जिले से हो चुका है। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इसको लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक की है दोस्तों। दिसंबर में, दिसंबर फर्स्ट वीक या नवंबर लास्ट वीक में एग्जाम होने की पूरी संभावना है। इसी सप्ताह अधियाचना शिक्षा विभाग के तरफ से बीपीएससी को भेज दिया जाएगा, बिग ब्रेकिंग अपडेट है दोस्तों। इसी सप्ताह बिहार शिक्षा विभाग के तरफ से दोस्तों बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को अधियाचना भेज दिया जाएगा कि आप जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए इसको लेकर के। और अगले सप्ताह जो आपका 15 अक्टूबर तक जो बातें चल रही है कि रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, उसके बाद बीपीएससी TRE2 का नोटिफिकेशन बीपीएससी के तरफ से आ जाएगा दोस्तों। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों, और बीएड वालों के लिए एक अच्छी मौका है, सुनहरा मौका है। डीएलएड वालों के लिए भी अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है, वो भी 6 to 8 में अपग्रेड हो सकते हैं, स्नातक ग्रेड में जा सकते हैं दोस्तों। तो अब आप लोग सब कुछ छोड़ छाड़ करके और उसकी तैयारी कीजिए बीपीएससी TRE2 की। कल STT का रिजल्ट आ गया, रिजल्ट जो आया हुआ है वो पूरी तरह से मतलब थोक के भाव से है। ठीक है, रिजल्ट में कहीं कोई कमी नहीं है। ठीक है, हर घर STT जो जितने भी लोग दिए थे लगभग लगभग लोग पास कर गए हैं। ठीक है, 80% से ज्यादा, 80% लगभग आपका रिजल्ट हुआ है, तो किसी किसी विषय में तो 90% 92% रिजल्ट हुए हैं। ठीक है, एक दो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं वहां पर तो लगभग 100% तक रिजल्ट गया है। ठीक है, तो किसी भी तरह का कोई टेंशन जो STT को लेकर के लोगों के बीच मन में भ्रम था तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, थोक के भाव से रिजल्ट हुए हैं। लेकिन थोक के भाव से रिजल्ट आपके बीपीएससी में नहीं होने जा रहा है, और जितने इस बार क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं दोस्तों, बीपीएससी इस बार आपको औकात दिखाएगी, बीपीएससी इस बार आपको औकात दिखाएगी। संख्या ज्यादा होगा तो बीपीएससी का जो क्वेश्चंस का जो लेवल होगा दोस्तों वो काफी टफ होगा। आप बीपीएससी चेयरमैन सर को सुने होंगे जो डिफिकल्टी लेवल जो होता है वो, कितने फॉर्म हुए हैं, कितने फॉर्म
फील हुए हैं उसके आधार पे होता है, और उसी के आधार पे आपके जो बीपीएससी TRE-1 का पीआरटी का जहाँ पे 8 लाख फॉर्म फिल हुआ था दोस्तों, उसका टफनेस लेवल काफी ज्यादा था, मॉडरेट टू टफ था वो पेपर, और वही इस बार औकात आपको दिखाने जा रही है दोस्तों हर पेपर में, क्योंकि एप्लीकेशन ज्यादा आएंगे, सीट कम है, ठीक है। जो 18,000 इस बार जो सीट आ रहा है आपका 9th-10th में, 11th-12th में, तो ये मान करके चलिए कि सब्जेक्ट वाइज ये आपका 1,500, 2,000, 2,500 इस तरह से सीटें होंगी, और संख्या काफी ज्यादा है। यदि मैथ की बात किया जाए तो मैथ में देखिए 52,000 लगभग कैंडिडेट जो हैं वो पास हुए हैं आपके पेपर वन में, और वहां पे सीट आपकी 2,000, 2,500 सीट आने वाली है, तो आप समझ सकते हैं कि टफनेस लेवल कितना ज्यादा होगा दोस्तों, कितना ज्यादा होगा। इसलिए अभी से आप लोग तैयारी कीजिए, तभी जाकर के कुछ हो सकता है। नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट्स थे जो अभी तक निकल करके सामने आ रहे थे, और भी जो अपडेट होगा वो आपको सन से बनेज के माध्यम से जरूर दिया जाएगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सन से बनेज के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे दोस्तों। बहुत बहुत